तो रात के समय जिन लोगों के घर में कलेश होता है, ऐसे लोगों पर किस ग्रह की बुरी नजर होती है और ऐसे ग्रह को शांत करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, रात के समय जिन लोगों के घर में कलेश होता है उसका कारण शनि ग्रह या कुंडली का चौथा भाव होता है। कुंडली में शनि यदि मेष राशि में है, अपने नीच राशि में, या चौथे भाव में पापक ग्रह है, तो भी परिवार में विशेष रूप से रात के समय बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। इस समय होने वाले झगड़ों को रोकने के लिए संध्या होते ही घर में गुग्गुल की धुनी दिखानी चाहिए। खूब गाय का एक उपला जला लीजिए, उसको एक थाली में रख लीजिए, उस पर गुग्गुल के टुकड़े तोड़ करके और डाल दीजिए और जरा सा मुंह से फूंक मार दीजिए, गुग्गुल का धुआं निकलने लगे और पूरे घर में दिखा दीजिए, घर से अपने आप कलह दूर हो जाएगी। रात को सोने से पहले अपने कमरों में कपूर जलाना चाहिए। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, तनाव बहुत रहता है, उन्हें तो चाहिए कि अपने बेडरूम के ईशान कोण में एक पीतल के दिए में लेटी हुई बत्ती डाल करके और शुद्ध गाय के घी का दिया जला दें अपने सोने से 15 मिनट पूर्व। दिया ऐसी जगह पर हो जहां कुछ और जलने की संभावना न हो, इतना ध्यान रखिएगा। कहीं उसके पास कागज, कॉपी, किताब, पर्दा, ये सब चीज़ें ना हो। वो बिल्कुल ऐसे जगह पर हो कि जिससे कहीं अग्नि का कोई खतरा ना हो, क्योंकि वो दिया तब तक जलता रहेगा जब तक आप सो नहीं जाएंगे। आपके सोने के बाद वो अपने आप दिया बुझेगा, इसलिए सावधानी भी जरूरी है। तो कपूर या गाय के घी का एक दिया जला करके आप रखिए और अपने सिरहाने तांबे के थर्मस में या तांबे के लोटे में पानी रखिए और उसे मतलब कि ढक करके रखिए। और बेडरूम में दूसरी जगह पानी रखने के लिए वंचित रहिए, दूसरी जगह पानी ना रखिए। जय माँ विंध्यवासिनी। घर के झगड़ों का ग्रहों और कमरों से क्या है कनेक्शन, यही बता रहे हैं आज पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके घर में बाथरूम टॉयलेट अटैच बने हुए हैं। ऐसे लोगों पर कौन से ग्रह अपना अशुभ प्रभाव डालते हैं, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, इस सवाल पे चर्चा करें, लेकिन एक मन में मेरे भी सवाल है, क्योंकि ये जो सवाल मैंने पूछा ये तो अक्सर अब शहर में ऐसा ही रहता है, तो मैं चाहूंगी कि उस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करके बताएं। देखो, ऐसा है, देश काल परिस्थिति के अनुसार जी मनुष्य जीवन जीने के लिए कहीं कहीं विवश भी है जी, समझ रहे हो। जैसे हमने बहुत से घरों को देखा है, वो वास्तु के हिसाब से ठीक विपरीत ही बने हुए हैं और उसमें रहने वाले बेचारे हर उपाय करने के बाद परेशानी का ही जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो बिल्डिंग बना रहा है जी, वो इतना अहंकार में है कि मैं जो भी बना दूंगा वो माल बिक जाएगा। हाँ। उसे किसी के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। अगर वो थोड़ा सा ये भाव कर ले अपने मन में कि जो मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ उसमें रहने वाले लोग सुखपूर्वक रहें, उनका भविष्य अच्छा रहे, अगर इतना विचार आ जाए उसको दूसरे के कल्याण का, तो कम से कम किसी वास्तु एक्सपर्ट से, किसी अच्छे विद्वान से परामर्श ले करके तब उसकी डिजाइनिंग करे, तब उसका निर्माण करे। हम कहते हैं कि सामान उतना ही लगेगा जी, मटेरियल उतना ही लगेगा, मजदूरी उतनी ही लगेगी और कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा। तो अगर आप शास्त्र सम्मत उस काम को कर लें और लोगों को सुकून की जिंदगी जीने के लिए मिल जाए तो आपका क्या बुरा होगा। लेकिन यहाँ जिसकी जरा सी चलती है वो एकदम अहंकार में डूबा रहता है, वो सीधी एक बात कहता है, मैं नहीं मानता ये सब क्या होता है, ये भगवान भगवान क्या होते हैं, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, कर्म करिए अपना कर्म करिए, कर्म करिए अपना कर्म करिए, बस इस तरह के डायलॉग मारते हैं। तो कहने का मतलब है, देखो, बाथरूम यानी स्नान गृह में चंद्रमा का वास होता है इसलिए वहाँ जल होता है, और शौचालय में राहु का वास होता है। तो जिन घरों में स्नान गृह और शौचालय एक साथ बनाया जाता है वहाँ राहु और चंद्रमा एक साथ होते हैं। इन दोनों ग्रहों के साथ में आने से राहु को चंद्रमा से ग्रहण लग जाता है, इससे चंद्रमा भी दूषित हो जाता है और वास्तु दोष देता है। चंद्रमा जल और मन का कारक ग्रह है, जबकि राहु को पापक ग्रह माना गया है जो विष का कारक है।
बाथरूम और शौचालय को जोड़ देने से जल और विष की युति बन जाती है। ऐसे युति उस घर में रहने वालों के लिए शुभ नहीं होती है। इसका प्रभाव ना सिर्फ मन पर पड़ता है बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। तो अटैच बाथरूम शौचालय होने से घर में कलेश बढ़ते हैं। घर की उत्तर पूर्व दिशा में बाथरूम होने से भी घर में झगड़े होते हैं। अगर ऐसा ही आपका घर है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। जिधर आप नहाते हैं उस पोर्शन में और जहां आपका टॉयलेट है उस पोर्शन में आपको एक प्लास्टिक का ऐसा पर्दा लगा देना चाहिए जिससे इस तरफ से उस तरफ, इस तरफ के जल का छींटा उधर ना जाए और उधर की कोई चीज इधर ना आए। अगर ऐसा भी आप कर दें तो निःसंदेह, और हाँ यदि बड़ा बाथरूम है तो दोनों के बीच में आप एक ऐसा शीशा लगा सकते हैं जो खुलने और बंद होने वाला हो। ऐसा भी आप कर सकते हैं तब इस दोष से आप पूर्ण रूपेण बच सकते हैं। और थोड़ा सा अगर बड़ा बाथरूम होगा और उसमें मतलब कि स्नान गृह और शौचालय होगा तो शायद कम वास्तु दोष लगेगा, लेकिन जब छोटा बाथरूम होगा वहाँ तो भयंकर वास्तु दोष लगेगा। जैसे मान लीजिए चंद्रमा 3 डिग्री पर है और राहु 28 डिग्री पर है, तो चंद्रमा और राहु की डिग्री का तो बहुत अंतर हो गया ना, अब राहु का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन चंद्रमा और राहु की डिग्री अगर एक साथ हो गई, दोनों 2 डिग्री के अंतर पर हैं, 3 डिग्री के अंतर पर हैं, तब उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे ही शौचालय और स्नान घर दोनों में जितनी निकटता रहेगी उतना ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और जितनी ज़्यादा दूरी रहेगी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा तो कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। अगर ये डिस्टेंस दोनों में 6 फीट से ज़्यादा का हो तो बिल्कुल कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए इस बात से मतलब कि कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, इसका उपाय हो सकता है और उपाय करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी।